गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम BFM में अपना मॉड्यूल बी का यूनिट 10 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 कम के रूप में जो है यूनिट 12 का जो है ना कंप्लीट किया था। कुछ टॉपिक्स रह गए थे यूनिट 12 में, उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। देखते क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। आइए स्टार्ट करें। और मोस्ट बैंक, यहाँ पर देखें थोड़ा क्या लिखा हुआ है। पार्टिकुलरली इंडियन बैंक द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग एंड परहैप्स अर्निंग वोलेटिलिटी आर ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ द क्रेडिट रिस्क। जो भी जो है प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक की जो हो, उसकी जो भी अर्निंग्स है वो क्या है, रिस्क पे डिपेंड होती है, रिस्क होता है उसमें। द ट्रेडिशनल मीन्स टू डील विद द क्रेडिट रिस्क इंक्लूड लेंडिंग पॉलिसीज, क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस, डिस्क्रिशनरी पावर स्ट्रक्चर, कोलेटरल एंड गारंटी कंसंट्रेशन लिमिट, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिक रीजन, डॉक्यूमेंटेशन ETC। ठीक है, तो कहता है कि ट्रेडिशनल मीन्स टू डील विद द क्रेडिट रिस्क इंक्लूड, जो क्रेडिट रिस्क को कैसे डील करते थे पहले, तो उसमें क्या होती थी, हमारी लेंडिंग पॉलिसीज होती थी, क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस होता था, डिस्क्रिशनरी पावर होती थी, कोलेटरल एंड गारंटीज होती थी, कंसंट्रेशन लिमिट होता था, और उसमें क्या है, सिंगल और ग्रुप बोरोवर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जियोग्राफिक रीजन्स के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्रोवाइड बैंक विथ ए टूल टू मैनेज द रिस्क। क्रेडिट डेरिवेटिव क्या करता है, बैंक को एक टूल देता है ना टू मैनेज द रिस्क इन द क्रेडिट पोर्टफोलियो इवन विदाउट अफेक्टिंग द पोर्टफोलियो साइज और एक कस्टमर नीड्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोटेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट ग्लोबली। ग्लोबली क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर इंक्रीजिंगली बींग यूज बाई द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इफेक्टिवली मैनेज क्रेडिट रिस्क। तो कहता है कि ग्लोबली जो है क्रेडिट डेरिवेटिव आर इंक्रीजिंगली बींग यूज बाई द बैंक्स, बैंक द्वारा यूज किया जाता था एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसके लिए, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, क्रेडिट रिस्क तो था ही, उसके बाद जो है तो फिर क्रेडिट डेरिवेटिव जो है इसकी जगह पे क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है 1993-94 में आया एंड शॉट इनटू पॉपुलरली ड्यूरिंग 1997 एशियन क्राइसिस। तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव एन ओवर द काउंटर, याद रखिए ओवर द काउंटर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू और मोर काउंटर पार्टीज दैट प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन क्रेडिट एसेट्स और क्रेडिट पोर्टफोलियो विदाउट नेसेसरली ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट्स फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनेटर्स। ठीक है, तो क्रेडिट डेरिवेटिव क्या है, क्रेडिट डेरिवेटिव इज एन ओवर द काउंटर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर काउंटर पार्टीज डेट प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन क्रेडिट एसेट्स विदाउट नेसेसरली ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट्स फ्रॉम द, सिर्फ इसमें क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर होता है। ठीक है, विदाउट अंडरलाइंग एसेट्स को ट्रांसफर किया, जनरली क्रेडिट डेरिवेटिव्स ट्रांसफर रिस्क इन क्रेडिट एसेट्स विदाउट ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट्स। क्या होता है, इस क्रेडिट असिस्ट कहता है क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या करता है, रिस्क को ट्रांसफर करता है इन क्रेडिट एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग अंडरलाइंग एसेट्स देमसेल्फ फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनेटर, किसके बुक से, ओरिजिनेटर के बुक से, हेंस दे आर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ऑल क्रेडिट एसेट्स लोन बॉन्ड्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स फाइनेंशियल लॉसेज आर बंडल विद द रिस्क एंड रिवार्ड। द रिस्क इंक्लूड इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी, कमोडिटी, इक्विडिटी बिसाइड्स क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के अलावा क्या है, इसमें होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है, करेंसी होता है, कमोडिटी होता है, इक्विडिटी होता है। एंड क्रेडिट रिस्क फ्रॉम द सच एसेट्स आर अनबंडल्ड इन टू ए कमोडिटी एंड ट्रेडेड इन द मार्केट सेपरेटली, दे आर रिगार्डेड एज ए क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट इंश्योरेंस एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट में भी सिमिलर टू द क्रेडिट डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट इंश्योरेंस एंड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये क्रेडिट डेरिवेटिव के सिमिलर होते हैं, बट दे डू नॉट हैव ऑफर द सेम फ्लेक्सीबिलिटी। लेकिन क्या है, वो फ्लेक्सीबिलिटी नहीं देते, लिक्विडिटी भी नहीं देते और रेगुलेटरी बेनिफिट्स नहीं देते। ओनली क्रेडिट डेरिवेटिव ब्रिज द गैप्स बिटवीन द लोन सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव मार्केट दस कंट्रीब्यूटिंग द लिक्विडिटी इन क्रेडिट मार्केट। ठीक है, अब मैकेनिज्म कैसा है, क्रेडिट डेरिवेटिव कैसे काम करता है वो देखिए थोड़ा सा। अंडर ए सीडी ट्रांजेक्शन प्रोटेक्टेड बायर, प्रोटेक्शन बायर, सीडी क्रेडिट डेरिवेटिव का जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें प्रोटेक्शन बायर क्या होता है, जनरली द ओरिजिनेटर ऑफ क्रेडिट एसेट्स एंटर इन टू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद द प्रोटेक्शन सेलर, प्रोटेक्शन सेलर के साथ प्रोटेक्शन बायर का एग्रीमेंट होता है, वेयर बाय द प्रोटेक्शन बायर ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क
करता है, ये जो है अपना क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर कर देता है इस प्रोडक्शन सेलर को विथ रेफरेंस टू द नोशनल वैल्यू, नोशनल वैल्यू के अनुसार, और फिर रेफरेंस ऑब्लिगेशन मतलब क्रेडिट एसेट्स का टू प्रोटेक्शन सेलर बाई एग्रीइंग टू पे रेगुलर प्रीमियम टू द प्रोटेक्शन सेलर। इसके बदले क्या मिलता है, प्रोटेक्शन बायर जो है प्रोटेक्शन सेलर को प्रीमियम देता है। इन इंस्टेंस ऑफ ए क्रेडिट इवेंट डेलिक्वेंसी डिफॉल्ट फॉरक्लोजर प्रीपेमेंट ईटीसी एज अग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द रिफाइंड रेफरेंस ऑब्लिगेशंस देर इज ए सेटलमेंट बिटवीन देम वेयर बाय द पीएस कंपनसेट्स द पीबी फॉर लॉसेस इनकरेड रिजल्ट ऑफ द इवेंट। अब देखिए यहाँ पे कहता है द सेटलमेंट कैन बी फिजिकल सेटलमेंट, फिजिकल हो सकता है, कैश सेटलमेंट होता है। अंडर द फिजिकल सेटलमेंट प्रोटेक्शन बायर डिलीवर द रेफरेंस एसेट्स टू द पोटेंशियल। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होती है, प्रोटेक्शन बायर क्या करता है अपने एसेट्स को प्रोटेक्शन सेलर को ट्रांसफर करता है एंड इन रिटर्न द प्रोटेक्शन सेलर पे एट पार वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ द रेफरेंस एसेट्स। ठीक है, उसके बदले क्या होता है, प्रोटेक्शन सेलर उसकी एट पार वैल्यू विथ इंटरेस्ट के साथ इसको प्रोटेक्शन बायर को वापस करता है। ठीक है, इन अ कैश सेटलमेंट प्रोटेक्शन सेलर से पेज द प्रोटेक्शन बायर लॉस सफर्ड। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन सेलर क्या करता है, जो एसेट्स होते हैं उसके बदले में क्या है, पे करता है प्रोटेक्शन बायर को द डिफरेंस बिटवीन द पार वैल्यू प्लस अक्रूड इंटरेस्ट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिफॉल्टेड रेफरेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ देखिए के डेरिवेटिव्स कहता है, के डेरिवेटिव्स आर जनरली ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट। के डेरिवेटिव्स क्या है, ओटीसी है, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन हैज कम आउट विद द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसिंग सच ट्रांजेक्शन। आईएसडी हैज ऑल्सो डिफाइंड क्रेडिट इवेंट टू इंक्लूड सिक्स इवेंट्स नेमली बैंकरप्सी ऑब्लिगेशन एक्सलरेशन ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट फेलियर टू पे रिपुडिएशन मॉरेटोरियम एंड रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है ना, क्रेडिट डेरिवेटिव में टेक सेवरल फॉर्म्स। वाइडली यूज क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स टोटल रिटर्न स्वैप्स क्रेडिट लिंक नोट्स क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस दीज आर डिस्कस्ड ब्रीफली इन फॉलोइंग। अब यहाँ ब्रीफली दिया हुआ है, पैराग्राफ में डिस्कस होगा। मूव्स फॉर प्रोटेक्शन बायर ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क विदाउट ट्रांसफरिंग द क्रेडिट एसेट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन बायर के क्या मोटिव्स होते हैं, ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क, वो क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर कर देता है विदाउट ट्रांसफरिंग क्रेडिट एसेट्स। हेजिंग अगेंस्ट द क्रेडिट रिस्क। ठीक है, क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट में सुरक्षा देता है। हेज मतलब क्या होता है, सुरक्षा देना। रिलीफ इन रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट एसेट्स विच कैन बी यूज फॉर फर्दर बिजनेस पर्पज। बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाई रिड्यूसिंग कंसेंट्रेशन इन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। अब प्रोटेक्शन सेलर का क्या है, यील्ड एनहांसमेंट करना। ठीक है, स्पेकुलेशन आर्बिट्रेज इन केस ऑफ द क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर इफिशियंटली प्राइस्ड। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रेडिट रिस्क। ठीक है, क्रेडिट डेरिवेटिव इनिशियली वे आर यूज ओनली फॉर हेजिंग। क्रेडिट डेरिवेटिव पहले किस लिए यूज होता था, ओनली फॉर रिस्क को कम करने के लिए, हेज करने के लिए रिस्क को। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर क्रेडिट डेरिवेटिव आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर स्पेकुलेशन लाइक एनी अदर डेरिवेटिव्स इंटरेस्ट रेट इक्विटी एंड फॉरेन डेरिवेटिव्स। अब उसके बाद होता है सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या है। ठीक है, ये कहा गया क्रेडिट डेरिवेटिव हमने देखा, क्रेडिट डेरिवेटिव क्या है, ओटीसी है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन वायर जो है अपना सिर्फ रिस्क ट्रांसफर करता है बजाय एसेट्स के, बदले में प्रोटेक्शन वायर इसको प्रीमियम भी देता है। ठीक है, तो ऐसा है, आगे एक बार रिवाइज करिएगा फ्रेंड्स। क्रेडिट डेरिवेटिव स्वैप्स डिफॉल्ट स्वैप्स इज अ ट्रांजेक्शन इन विच द क्रेडिट हेजर मतलब प्रोटेक्शन बायर जिसको बोलते हैं पे पीरियोडिक प्रीमियम टू एन इन्वेस्टर पीसी प्रोटेक्शन सेलर। ठीक है ना, इन रिटर्न द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रेडिट इवेंट एक्सपीरियंस ऑन द रेफरेंस ऑब्लिगेशन दैट इज अंडरलाइंग क्रेडिट दैट इज बीइंग हेज्ड। ठीक है, क्रेडिट इवेंट आर आईएसडीए डिफाइंड क्रेडिट इवेंट्स एंड इंक्लूड सिक्स इवेंट्स नेमली बैंकरप्सी ऑब्लिगेशन एक्सलरेशन, वही चीज है जो ऊपर में था। अब यहाँ देखिए वंस द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हैज बीन ट्रांजेक्टेड देयर आर टू पॉसिबल आउटकम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजेक्शन्स हो गया या ट्रांजेक्टेड हो गया तो उसमें टू दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, पहला द फर्स्ट इज द स्पेसिफाइड क्रेडिट इवेंट डज नॉट अकर इन विच केस द पीवी पेज ऑल द रिक्वायर्ड प्रीमियम्स एंड अपॉन मच्योरिटी द स्वैप मच्योर एंड देयर आर नो अदर कैश फ्लोस। अल्टरनेटिवली द क्रेडिट इवेंट
डज अकर एट विच पॉइंट द कैलकुलेशन एजेंट जनरेट ए क्रेडिट इवेंट नोटिस एंड एविडेंस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड पीवी इज कंपनसेटेड बाई द इन्वेस्टर आइदर बाई वे ऑफ फिजिकल सेटलमेंट एंड कैश सेटलमेंट। ठीक है, फिजिकल सेटलमेंट करता है या कैश सेटलमेंट करता है? कैश सेटलमेंट क्या है? जो लॉस बुक होती है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। फिजिकल सेटलमेंट में जो प्रॉफिट होती है वो करता है। अब यहाँ पे कहता है द फिजिकल सेटलमेंट इज मोर कॉमन वेयर द पीबी हैंड्स ओवर द असाइन टू सेल द रेफरेंस ऑब्लिगेशन पीएस इन रिटर्न फॉर रिसीविंग अ नोशनल अमाउंट ऑफ द स्वैप्स। कैश सेटलमेंट इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ एजेंट डिटरमाइनिंग द पोस्ट डिफॉल्ट कैश वैल्यू ऑफ द रेफरेंस ऑब्लिगेशन द डिफरेंस बिटवीन द पार एंड दस प्राइस ऑफ यूज टू कैलकुलेट द कैश सेटलमेंट वैल्यू। उसके बाद आता है टोटल रिटर्न स्वैप। टोटल रिटर्न स्वैप किसे बोलते हैं? इन अ टोटल रिटर्न स्वैप द पीबी पेज विद द पीएस ए टोटल रिटर्न। इसमें क्या होता है? टोटल रिटर्न स्वैप में प्रोटेक्शन बायर जो है वो क्या होता है? पीबी स्वैप्स विद द पीएस टोटल एक्चुअल रिटर्न। इसमें क्या होता है? कूपन कैपिटल एप्रिसिएटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इन रिटर्न फॉर ए प्रीमियम। प्रीमियम इज अराइव बाय द एडिंग ए स्प्रेड टू ए रेफरेंस रेट लाइक लाइबोर। दस इन टीआरएस द प्रोटेक्शन सेलर इज एबल टू सिंथेटिकली क्रिएट एन एक्सपोजर टू रेफरेंस एसेट्स विदाउट एक्चुअली लेंडिंग टू इट। ठीक है, ये भी क्या है? टोटल रिटर्न स्वैप जो है रिप्रेजेंट एन ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट सच एज ए लोन और बॉन्ड वेयर एज ए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कैप्चर ओनली क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या करता है? ओनली कैप्चर करता है क्रेडिट रिस्क को। टोटल रिटर्न स्वैप इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ए टोटल इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ द एसेट्स बोथ क्रेडिट एंड मार्केट। अब देखिए यहाँ सी एल एन होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट क्रेडिट लिंक नोट्स। ठीक है, इस तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आर जनरली ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ये तो है, एंड आर फंडेड एक्सपोजर। क्रेडिट लिंक नोट्स आर ऑफ बैलेंस शीट आइट इक्विवेलेंट टू सी डी एस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के बराबर है। ठीक है ना, विच कंबाइन क्रेडिट डेरिवेटिव विथ नॉर्मल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट एंड दस कन्वर्ट क्रेडिट डेरिवेटिव जनरली एंड ओ टी सी इंस्ट्रूमेंट इंटू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, सी एल एन क्या है? इक्विवेलेंट टू है सी डी एस। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रेडिट लिंक नोट्स आर ऑफ बैलेंस शीट इक्विवेलेंट्स ऑफ द सी डी एस विच कंबाइन क्रेडिट डेरिवेटिव विथ नॉर्मल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट एंड दस कन्वर्ट क्रेडिट डेरिवेटिव जनरली ओ टी सी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कहता है क्रेडिट लिंक नोट इज सिंपली सिक्योरिटाइज फ्रॉम द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। इन अदर वर्ड्स इट इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट विथ एन इम्बेडेड क्रेडिट डेरिवेटिव। ये क्या है? मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इम्बेडेड होता है, मतलब क्रेडिट डेरिवेटिव्स के साथ बना हुआ एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट रिस्क डिलीवर्ड इन द क्रेडिट लिंक नोट इन्वेस्टर इज ड्यूअल रिस्क। अब क्रेडिट डेरिवेटिव जो है, क्रेडिट रिस्क जो है, जो क्रेडिट लिंक नोट में इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया गया है, तो उसमें दो रिस्क होते हैं। रिस्क फेस बाय द क्रेडिट लिंक नोट इशूअर नॉर्मली हाई रेटेड एंड द रेफरेंस ऑब्लिगेशन ऑफ इम्बेडेड क्रेडिट डेरिवेटिव लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्रेडिट लिंक नोट्स पे द इनहेंस्ड कूपन एंड मैच्योर द शेड्यूल्ड अनलेस एंड क्रेडिट इवेंट ऑफ द अकर्स। इन सच ए क्रेडिट इवेंट डज अकर द क्रेडिट लिंक नोट विल टिपिकली बी रिडीम्ड बाय द इशूअर एट अ प्राइस टू लिंक द वैल्यू ऑफ रेफरेंस ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट जो है क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस किसे बोलते हैं? क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस इनेबल क्रेडिट हेजर्स। क्रेडिट हेजर्स किसे बोलते हैं? जो प्रोटेक्शन बायर है, ठीक है ना, टू एक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनफेवरेबल माइग्रेशन और क्रेडिट रिस्क स्प्रेड रिस्क ऑफ एन एसेट्स एज मेजर्ड बाई वाइडनिंग इट्स क्रेडिट स्प्रेड्स। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन क्या है? क्रेडिट जो प्रोटेक्शन बायर जिसको बोल सकते हैं या क्रेडिट हेजर्स जो है इनेबल करता है क्रेडिट हेजर को टू एक्वायर प्रोटेक्शन। क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन एक्वायर करने के लिए फ्रॉम अनफेवरेबल माइग्रेशन और क्रेडिट स्प्रेड रिस्क ऑफ एन एसेट्स एज मेजर्ड बाई वाइडनिंग द क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन ट्रांसफर क्रेडिट स्प्रेड रिस्क फ्रॉम द क्रेडिट स्प्रेड प्रोटेक्शन बायर ऑफ ए इन्वेस्टर्स रिटर्न फॉर एन अपफ्रंट और पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। क्रेडिट डेरिवेटिव्स किसे बोलते हैं? क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है? हेजिंग लोन कंसंट्रेशन इमेज लोन कंसंट्रेशन में हेज करने के लिए। इमेजिन द बैंक हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द बॉरोअर। द बॉरोअर हैज रिक्वेस्टेड अ टर्म लोन ऑफ ₹100 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर सेटिंग ऑफ द स्पॉन्ज आइलैंड प्लांट। द बैंक कैन नॉट एक्सटेंड द लोन बिकॉज न्यू एक्सपोजर वुड एक्सीड द बैंक लिमिट सेट ऑफ द आयरन एंड स्टील एक्सपोजर। चलिए ठीक है, दूसरा क्या कहता है? ट्रांसफरिंग
अच्छा नहीं, यहाँ पर देख लीजिए एडवांटेज क्या है। रिटेन इट्स कस्टमर, हेज ऑफ द रिस्क ऑफ लोन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ए रेगुलेटरी कैपिटल। ठीक है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला हेजिंग लोन कंसंट्रेशन, मतलब लोन कंसंट्रेशन को कम करना है। दूसरा क्या है, यहाँ देखिए दूसरा भी उदाहरण दिया है, वही चीज़ है, ट्रांसफरिंग डिफॉल्ट रिस्क, ट्रांसफर डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है ना। इसका एडवांटेज क्या है, द बैंक करंट रिलेशनशिप इज प्रिजर्व, अल्टरनेटिव स्ट्रैटजी सच एज सेल ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स और पार्टिसिपेशन में हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द बैंक क्लाइंट रिलेशनशिप, द बैंक इंजॉय फी बेस्ड इनकम एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, द हेजिंग ऑफ बैंक सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाइड इट्स रिस्क ओनली एक्सपीरियंसिंग डिफॉल्ट ऑफ बोथ ऑफ द कंपनी एंड काउंटर पार्टी बैंक, फेल ज्वाइंटली एंड कंकरेंटली परफॉर्म, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लाइकली टू बी क्वाइट। तीसरा कहता है रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेट, ठीक है ना। इसमें काम आता है एडिंग लोन एसेट्स टू पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस पोर्टफोलियो वेरियंस प्रोवाइडेड एंड एसेट्स फॉर लेस पॉजिटिवली करिलेटेड विद द एसेट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन के काम आता है, इसका एडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिट कंसंट्रेशन एज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज अचीव, नो रिडक्शन इन पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न में कोई रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इसका चौथा जो है हेजिंग इन लिक्विड बॉन्ड, ठीक है, कहता है वन यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट डेरिवेटिव इज देयर एबिलिटी टू मिटिगेट इन लिक्विड क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हेजिंग पिटफॉल्स इन प्रैक्टिस ट्रांजेक्शन ओरिजिनेशन, सक्सेसफुल क्रेडिट डेरिवेटिव्स डीलर्स एंडेवर टू एस्टेब्लिश क्लाइंट प्रोडक्ट सुटेबिलिटी, आइडेंटिफाई एंड फुली अप्रिशिएट इंडिविजुअल मोटिवेशन पोर्टफोलियो। ये देखिए हेजिंग पिटफॉल्स क्या होता है इन प्रैक्टिस जो भी हैं इसके इसके कुछ ये ट्रांजेक्शन जो दिए हुए हैं सक्सेसफुल डीलर्स इंडेवर्स टू, किस लिए इनको मतलब यूज करते हैं, तो कहते हैं एस्टैब्लिश क्लाइंट प्रोडक्ट सुटेबिलिटी, आइडेंटिफाई एंड फुली अप्रिशिएट इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोवाइड द यूजर विथ यूजफुल फीडबैक एंड हेल्प मैनेज एक्सपेक्टेशन अबाउट द टाइमिंग ट्रांजेक्शन, अंडरस्टैंड दैट द ट्रांजेक्शन टर्म्स आर जनरली इंडिकेटिव एंड नॉट फॉर्म, अप्रिशिएट द डीलर मे हैव लिमिट ऑन देयर एपिटाइट फॉर सर्टन क्रेडिट्स, अप्रिशिएट एंड लिमिटेशन फॉर द लिक्विडिटी रिस्ट्रेन डेवलपिंग क्रेडिट रिस्क मार्केट, ठीक है। उसके बाद कहता है ट्रांजेक्शन ओरिजिनेशन तो हो गया, ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चरिंग हो गया, इसमें देखिए ऑल सेटलमेंट मेथड आर एग्रीड एंड मार्केट डिसरप्शन क्लॉजेज हैव बीन कंसिडर्ड, द हेजिंग स्ट्रेटजी इंप्लॉयड इन द मोस्ट इफेक्टिव व्हीकल इन टर्म्स ऑफ फंडिंग रिलेशनशिप इशूज एंड कैपिटल ट्रीटमेंट, इफ द रेफरेंस एसेट्स एंड अंडरलाइंग क्रेडिट रिस्क आर वन ऑफ द सेम नो रेसिडुअल बेसिस रिस्क रिमेन्स, साइनेबिलिटी ऑफ दी अनवेटेड अंडरलिंग एसेट्स इज एस्टेब्लिश्ड, इसमें होता है द पार्टीज हैव थ्रू अंडरस्टैंडिंग एनी मटेरियलिटी टेस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट, इन क्रेडिट लिंक नोट इज बींग यूज्ड बाई द फाउंडर इट मस्ट कन्फर्म दैट द क्रेडिट इवेंट इन द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कन्फर्मेशन आर मिरर्ड क्रेडिट लिंक नोट प्राइसिंग सप्लीमेंट, क्रेडिट इवेंट आर अप्रोप्रिएट फॉर दी सिचुएशन। यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेशन है, तीन चीज़ हो गई, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ओरिजिनेशन हो गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चरिंग हो गया और तीसरा ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है। सेम एज लाइक एज जब आप लोन देते हैं तो जो आपकी ये होती है ना सोर्सिंग प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन, सोर्सिंग प्रोसेसिंग सैंक्शनिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसबर्समेंट, ये होते हैं पांच, इसी तरह से इनका भी है। और ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चरिंग इशूड मस्ट रिवॉल्व प्रायर डॉक्यूमेंटेशन, जिन डॉक्यूमेंटेशन पहले जितने भी इनके स्ट्रक्चरिंग हैं सब कंप्लीट होना चाहिए। तो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, प्रेजेंटेशन इन क्रेडिट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन, टर्म शीट सेटिंग आउट ऑफ द टर्म कंडीशन, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द क्रेडिट हेजिंग टीम, एंड अप्रिशिएशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विद द क्रेडिट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग डेस्क एंड इंडिविजुअल अवेल थ्रू थॉट आउट ट्रांजेक्शन टेम्पलेट और यूज ISDA स्पॉन्सर्ड ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन।
स्कोप इन इंडिया क्या है, स्कोप क्या है इंडिया में, द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट इंक्रीज इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, मार्केट में इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, विथ इंडियन बैंक इंक्रीजिंग देयर फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। इंडियन बैंक को रिस्क बहुत ज़्यादा है, पिछले बहुत सालों में रिस्क बहुत ज़्यादा हुआ है, रिस्क पहले से भी है लेकिन ये स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द क्रेडिट डेरिवेटिव वुड गेन पॉपुलरिटी, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव इज सिंप्लिसिटी, सबसे पहले सिंपल है, टुडे बैंक कैन सेल लोन टू ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क, हाउएवर दिस गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पार्टिकुलरली विद द रिस्पेक्ट टू स्टाम्प ड्यूटी पेबल, ऑल्सो इन सम केसेज द बोरोअर नीड्स टू इन्फॉर्म दैट सेल ऑफ लोन एंड दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम रिलेशनशिप। चलिए फ्रेंड्स ये खत्म हो गया, यहाँ पे सम अप में देखिए क्रेडिट रिस्क कहाँ से आता है, फ्रॉम लेंडिंग एक्टिविटी ऑफ बैंक, ठीक, क्रेडिट रिस्क अराइजेस फ्रॉम पोटेंशियल चेंजेज इन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ ए बोरोअर, इट हैज टू कंपोनेंट डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेड रिस्क आर ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट पोर्टफोलियो एज ए होल इज टर्म्ड पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है, पोर्टफोलियो के हिसाब से जो रिस्क होगी वो पोर्टफोलियो रिस्क हो गया। पोर्टफोलियो रिस्क में दो कंपोनेंट होते हैं, कंसंट्रेशन रिस्क एंड सिस्टमेटिक और इंट्रिंजिक रिस्क, द काउंटर पार्टी रिस्क अराइज फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो आपका अपोजिट पार्टनर है उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी तो काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। कंट्री रिस्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, तो वहाँ कंट्री रिस्क में क्या होता है, काउंटर पार्टी अराइज बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई दी सॉवरेन, मतलब कोई गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। तो सबसे पहले क्या होता है रिस्क में, हमेशा भी फोर पार्ट्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अचीविंग कंपेटेबिलिटी इन रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी एंड टू इंश्योर साइमल्टेनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंसिस्टेंट मैनर। क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्रेडिट रेटिंग हम अपने लोन्स की क्रेडिट रेटिंग करते हैं ना, हम इंटरनल रेटिंग करते हैं एक्सटर्नल रेटिंग करते हैं, उससे क्या होता है रिस्क को असाइन हम लोग उसको जज करते हैं, उसके हिसाब से रिस्क वैल्यू लगाते हैं। After the expiry of given period, would remain performing assets. It will continue to meet obligation. Its creditors, including banks, would not be default. ठीक है। इसको फ्रेंड्स देखिए आप। कीवर्ड्स याद रखेंगे कि सीपीसी क्रेडिट पॉलिसी कमिटी हो गई, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डिफॉल्ट रिस्क, ये सब उसमें ऊपर आपने देखा। क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा फ्रेंड्स। एक यहाँ एडिशनल रीडिंग है, ठीक है ना, ये हमारा जेड टेबल है, अल्टमान जेड टेबल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, अल्टमान क्या कहता है कि कोई भी बैंक जो है, इसमें एक रेशियो उन्होंने दिया था कि कोई बैंक कब तक जो है, कब वो लिक्विडेट हो जाएगा उसके बारे में कहता है, ठीक है ना, तो उसने एक फॉर्मूला निकाला था, जेड का टेबल था 1.2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है इनका 1.2 ए, इसको कर दीजिए 1.4 बी कर दीजिए, प्लस 3.3 कर दीजिए, प्लस 0.4, ठीक है, डी कर दीजिए एंड 1 × e कर दीजिए, ठीक है। तो ये ए जो होता है ये क्या होता है, यहाँ X1 इन्होंने दिया है, तो नेट वर्किंग कैपिटल बटे टोटल। इसके फ्रेंड्स मेरे पास एक सेपरेट जो है न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और हेयर कट वाले जो हैं ये दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग से बताऊंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए फिर से, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फ्रेंड्स को चाहें तो शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर करें, एक बेल आइकन होती है आप इसे पुश करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स जो टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर और हमारा एग्जाम जून और जुलाई में, ठीक है ना, तो अगर मैं लाइन बाय लाइन अभी चलना शुरू करूँ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें मैंने आपको दो चीज़ें छोड़ी, एक तो अल्टमान जेड स्कोर आपको बताना है,
अल्टमन, ठीक है, जेड स्कोर, दूसरा आपको हेयर कट बताना। तो इसके दोनों न्यूमेरिकल्स मैं बता दूंगा, इससे आपकी जो है ना न्यूमेरिकल्स जब आपको बता दूंगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तब तक धन्यवाद।